भी लग रही है। 11 o'clock हो गया, सुबह 6 बजे के आए हुए थे हम यहाँ पे, तो अब जा रहे हैं कुछ खाएंगे। देखो समुराई सॉस, नाइस राइट, सब सोविनेर शॉप है, अच्छी लग रही है। देखो ये, देखो ये पंखों की दुकान है ना, 1000 का कोई भी, और इतने खूबसूरत है यार। ये देखो ये वाली शॉप, देखो ये देखो, बहुत ही जबरदस्त लग रही है यार। दिस इज प्योर जापानीज काइंड ऑफ थिंग, लाइक द कासा, आई मीन अम्ब्रेला एंड द किमोनो एंड द फैंस, एवरीथिंग मैन। चॉपस्टिक्स की शॉप है, चॉपस्टिक की नहीं, ब्रश की शॉप है। ब्रश? हाँ, ब्रश है। मुझे तो लगा चॉपस्टिक है। वो देखो ना, ब्रश बना हुआ। क्या है भाई, स्पेशल ब्रश? ब्रश की शॉप। ये देखो इस पे बड़ी भीड़ लग रही है। ये रेस्टोरेंट है ना? हाँ। देखो ये देखो छाते हैं यहाँ पे। आज ही सुबह सुबह आए ना, तो सोने का तो मौका मिला नहीं है। अब हुआ क्या है कि स्टेशन पे ही हम लोग सुबह में तैयार व्यार हो गए थे, खा पी लिए थे, अपना खा पी के घूम रहे थे। अब गए हैं बहुत थक, और हमने सोचा फटाफट उतर लेते हैं, सबवे पकड़ लेते हैं। और JR के स्टेशन पे उतर गए और जाके पूछा कि सबवे का टिकट ये जो पास है वो चलेगा, बोला NG। और हम लोग उसी बस से उतरे जो बस वहां जा रही थी, अब फिर से बैठे दूसरी बस पकड़ने के लिए। देख रहे हो इतने हम ज्यादा, हम दोनों ही इतने ज्यादा ना एग्जॉस्टेड थे कि ज्यादा ना कुछ सोचा ना समझा, फट से बस से उतर गए। हाँ तो भाई अब हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए इस वाले रेस्टोरेंट में, टेम्पुरा बार, ठीक है। और यहाँ पे चिकन और मतलब वेज नॉन वेज दोनों ही है। तो ये है चिकन, ये है मिसो सूप, हाँ, और वो टोफू है, ये सैलड है, और नीचे राइस है। होपफुली टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अंशु कह रहा है कि अगर हमें ऐसा खाना मिल जाएगा तो हम खा लेंगे। सही में इतना ज़्यादा टेस्टी है ना, मैं क्या बोलूँ। देखो मैंने तो इसमें मिर्च भी डाल दी। अंशु ने ना बहुत ज़्यादा ही मिर्च और नमक डाल दिया, मैंने तो क्या नहीं डाला, जैसा मिला है ऐसे टेस्ट। कोविड कोई सीन है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, मुझे लिटरली लग रहा है कि हम लोग 2019 में घूम रहे हैं। नहीं बस मास्क लगा, बस मास्क ऐसी जबरदस्ती का लगा हुआ है, इतना चिपक चिपक कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत भीड़ है, फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मैं इतनी भीड़ देख रही हूँ। और ये देखो मतलब कतारें खत्म ही नहीं हो रही यार, बिल्कुल भी नहीं खत्म हो रही। ये लाइन यहाँ से शुरू है और ये देखो ऐसे करके ऐसे जा रही है। भाई साहब ये खाने की लाइन है, आइसक्रीम खाने की लाइन है। ये कुछ फेमस होगा पक्का, ये वही है। यहाँ पे भी लग रहा है ऑटम फेस्टिवल चल रहा था, है ना, उसी के चक्कर में इतनी भीड़ है यहाँ पे लाइन लगी है हर जगह लाइन लगी है। एंड दिस इज द फेमस ब्रिज, वाओ लुक एट दिस। सो 3, 2, 1 वेलकम टू किमोनो फॉरेस्ट। एक तरफ ट्रेन है और दूसरी तरफ किमोनोस, इन सब के अंदर ना रियल किमोनो है, सब सिल्क के हैं, मतलब अलग अलग वैरायटी में है।
दिस इज सो ब्रिलियंट. देखो ये ऐसे दिखता है ना फॉरेस्ट. आ जाओ चलो फॉरेस्ट में चलते हैं. ये सब किमोनो लगा हुआ है. सोचो जब ट्रेन निकलती होगी क्या खूबसूरत लगता होगा. ओ माय गॉड दिस इज सो स्टनिंग मैन. चुके हैं क्योटो स्टेशन. मेरे पीछे पैरों की जो हालत है वो बहुत ख़राब है. अब जा रहे हैं हम फटाफट अपना सामान वगैरह उठाते हैं होटल में चेक इन करेंगे. दोनों के फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है लाइक लिटरली डेड. मेरा मन है कि चेक इन करके थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके तब फिर निकलेंगे. अंशु का जैसा मन करेगा अंशु वो करेंगे क्योंकि सब अपने मन मर्जी के मालिक है. पर सच में क्योटो बहुत अच्छा है. और यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी यहाँ पे ना बॉयज़ गर्ल्स सभी किमोनो और युकाता पहन के घूम रहे हैं. वो बहुत ही अच्छी चीज़ लगी और बहुत ही अच्छे से सब कैरी भी कर रहे थे. ये नहीं कि उसको पहन के अजीब सी हरकतें कर रहे हो. नहीं तो ये पीछे देखा क्योटो टावर. एक रेस्टोरेंट आ गए हैं खाना खाने के लिए. बहुत लेट हो चुका है और यही हमारे घर के नियरेस्ट था तो इसलिए हम लोग एक देसी रेस्टोरेंट आ गए हैं. देसी. और जैसे कि मेरी आंखों से आप लोग को लग रहा है कि मैंने पी रखी है बट नहीं ये टायर्डनेस है और मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ. आई गेस अंशु भी बहुत ज्यादा थके इसलिए अजीब से दिख भी रहे. देखो कैसे बंदर के जैसा चेहरा है मैंने बहुत सिंपल सा मेन्यू मंगवाया है. अंशु ने तो प्रॉपर पूरा नॉन वेज थाली टाइप मंगवा लिया है. ये देखो अंशु ने अपने लिए जूस मंगवाया था. जूस पूरा ऊपर तक भर के आ गया है. मैंने भी मंगवाया था अपने लिए जूस. मेरा तो सही एकदम चिल्ड है बट अंशु का जूस तो गड़बड़ हो गया. अंशु ने जूस हाफ ग्लास मंगा था. अंशु का जूस फुल ग्लास हो गया. अरे हमने अभी सैलेड खा रहे हैं. कैसा लग रहा है अंशु आपको पूरा ग्लास जूस. ये है मेरा आलू नान और ये है मेरी दाल फ्राई. और ये अंशु भी अपना खा रहे हैं और इनका भी खाना आ गया है ना. सो आज का डे यहीं ओवर करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ. एंड आज मैं आपको जो भी कोई सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं. बोला भी नहीं जा रहा है. गिव अ बिग थम्स अप एंड डू शेयर. तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं. गुड नाइट.